गाइस, वेलकम टू माय चैनल द शिपी टिप्स। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे बाथ सॉल्ट्स के बारे में। गाइस, बाथ सॉल्ट्स क्या होते हैं, आपको कैसे यूज करना चाहिए, एंड गाइस कुछ मिथ्स हैं बाथ सॉल्ट्स को लेके, उन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे बेसिकली। लेकिन अगर अभी आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग माई चैनल। साथ में नोटिफिकेशन बेल भी होगी, उसको भी हिट कर देना, उससे आपको मेरे वीडियोज के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। सो यस गाइस, लेट्स गेट स्टार्ट विद द वीडियो। गाइस, सबसे पहले बात कर लेते हैं बाथ सॉल्ट्स क्या होते हैं एंड किन इंग्रेडिएंट से बने होते हैं। सो गाइस, बाथ सॉल्ट्स नाम से ही पता चल रहा है सॉल्ट, सो की इंग्रेडिएंट भी वही होता है, सोडियम क्लोराइड और इप्सम सॉल्ट, ये की इंग्रेडिएंट होते हैं। एंड गाइस, जो ये बाथ सॉल्ट्स होते हैं ना, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस देते हैं आपको। एंड इनके सिर्फ एक ये लग्जूरियस एक्सपीरियंस के लिए नहीं होता है, इनके बहुत ज्यादा हेल्थ एंड कॉस्मेटिक बेनिफिट्स भी होते हैं, जिसपे हम अभी आगे वीडियो में बात करेंगे। गाइस, मैं कौन से बाथ सॉल्ट्स यूज कर रही हूँ, सो दीज आर द वंस, दीज आर लाइक फ्रॉम द ब्रांड बॉडी क्यूपिड, ये उनका एक्वा वेव वेरियंट है, इस तरह की पैकेजिंग में आता है। दिस इज ग्रेप फ्रूट वेरियंट। सो गाइस, जो बाथ सॉल्ट्स होते हैं उसमें बहुत अच्छा अरोमा होता है, जिसके लिए स्पेशली एसेंशियल ऑयल्स ही यूज किए जाते हैं। एंड जो आप इनमें कलर्स देख पा रहे हो, जैसे ब्लू कलर में है एंड दिस वन इज काइंड ऑफ ऑरेंजिश और पीच कलर, तो इसके लिए इनमें आर्टिफिशियल कलर्स यूज किए जाते हैं। काफी रिलैक्सिंग होता है बाथ सॉल्ट्स को यूज करना। एंड सबसे बड़ा मिथ जो है बाथ सॉल्ट को लेके, दैट यू नीड टू हैव अ बाथ टब फॉर यूजिंग बाथ सॉल्ट। ऐसा नहीं होता गाइज, आप अपनी बकेट और मग के साथ भी बाथ सॉल्ट्स यूज कर सकते हो, जस्ट नीड ल्यूकवॉर्म वाटर फॉर इट। मे बी आपको डेमो भी दिखाऊंगी कि कैसे ये इजिली डिसॉल्व हो जाते हैं वाटर में। गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बाथ सॉल्ट्स बहुत हेल्थ बेनिफिट्स एंड कॉस्मेटिक बेनिफिट्स के साथ आते हैं, तो सबसे पहले उन्हीं पे बात करते हैं। गाइस, मैं यहाँ पर टॉप 5 बेनिफिट्स की बात करूंगी। सबसे पहले जो एक बेनिफिट होता है बाथ सॉल्ट्स का, दैट इज जॉइंट पेन, बहुत अच्छे से आपके जॉइंट पेन को रिलीव करने में हेल्प करता है। सेकेंड, टू डील विद योर एंग्जाइटी एंड स्ट्रेस, बहुत हेल्पफुल चीज है बाथ सॉल्ट टू डील विद योर स्ट्रेस। थर्ड, हेडेक, गाइस आपको एक सूथ कामिंग एक्सपीरियंस चाहिए, बहुत अच्छे से काम करेगा हेडेक पे बाथ सॉल्ट। फोर्थ, टू डील विद योर मसल पेन और स्टिफनेस, उस पर बहुत अच्छे से काम करता है बाथ सॉल्ट। देन यस, द स्किन बेनिफिट लाइक टू ट्रीट योर ड्राई फ्लेकी स्किन, उस पर भी बाथ सॉल्ट बहुत अच्छे से काम करते हैं। सो गाइज, बिफोर शोइंग यू द डेमो कि ये कैसे ल्यूकवॉर्म वाटर में इन्फ्यूज हो जाते हैं एंड आपको कैसे यूज करने हैं, मैं आपको बता दूं कि मैं जो ये बाथ सॉल्ट्स यूज कर रही हूँ, दीज आर फ्रॉम द ब्रांड बॉडी क्यूपिड एंड बहुत ही अच्छे बाथ सॉल्ट्स हैं गाइज, बहुत ही पसंद आ रहे हैं मेरे को। अगर मैं बात करूँ पैकेजिंग की, तो इस तरह की पैकेजिंग में आपको ये मिलते हैं, टब फॉर्म में है, काफी ज्यादा क्वांटिटी है, तो लंबा चलने वाले हैं आपके। गिफ्टिंग के लिए बहुत अच्छी पैकेजिंग है, आप किसी को बाथ सॉल्ट्स गिफ्ट कर सकते हो एंड बहुत अच्छा गिफ्ट कंसिडर किया जाता है, काफी लग्जूरियस होता है इनको यूज करना। एंड गाइज, अगर मैं बात करूँ प्राइस की, तो आपको 399 रुपीज में 200 ml क्वांटिटी मिलती है एंड 2 इयर्स इनकी शेल्फ लाइफ है। गाइज, एक बार दोनों ही बाथ सॉल्ट्स को कंपेयर कर लेते हैं। जो आप ये ब्लू कलर में देख रहे हो, दिस इज एक्वा वेव वेरियंट एंड द सेकेंड वन इज ऑरेंजिश पीच कलर में जो है, दैट इज ग्रेप फ्रूट वन। सो गाइज, आप देख सकते हो जो फर्स्ट की इंग्रेडिएंट है वो दोनों में ही सोडियम क्लोराइड है एंड सेकेंड इंग्रेडिएंट भी एप्सम सॉल्ट है दोनों में ही। गाइज, जो इंग्रेडिएंट लिस्ट होती है वो हमेशा इस ऑर्डर में होती है कि जो फर्स्ट इंग्रेडिएंट होता है वो सबसे ज्यादा परसेंटेज में यूज किया गया है एंड देन जो सेकेंड इंग्रेडिएंट है वो उससे कम, एंड इन दिस ऑर्डर आपकी हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपकी लिस्ट रहती है। एंड गाइज, जो थर्ड इंग्रेडिएंट है वो सोडियम बाइकार्बोनेट है दोनों में। फोर्थ इंग्रेडिएंट आप देख सकते हो सोडियम सिट्रेट है, देन स्वीट एलमंड ऑयल इज द फिफ्थ इंग्रेडिएंट। यहां तक दोनों के इंग्रेडिएंट्स सेम है गाइज। लास्ट इंग्रेडिएंट जो है आप देख सकते हो वो कलर है जो दोनों को डिफर करता है एंड उनका नंबर आप देख रहे हो यहाँ पर डिफरेंट है, बिकॉज एक में डिफरेंट कलर यूज किया गया है एंड एक में डिफरेंट कलर। गाइज, अब आप पीछे से अगर देखोगे तो आपको कलर से ऊपर एक इंग्रेडिएंट दिख रहा होगा विच इज पोटेशियम सोर्बेट, वो भी दोनों में कॉमन है एंड दोनों में यूज किया गया है। आप देख सकते हो सिर्फ एक इंग्रेडिएंट है जो दोनों में अलग है, विच इज लाइक जो इसको डिफरेंट बनाता है, दैट इज ग्रेप फ्रूट एसेंशियल ऑयल आपका इसमें यूज किया गया है। आप देख सकते हो सिर्फ एक यही इंग्रेडिएंट इसमें अलग यूज किया गया है, वाइल आपका जो एक्वा वेव वेरियंट है उसमें मिंट लीव्स एंड पेपरमेंट एसेंशियल ऑयल है, जो कि आपके ग्रेप फ्रूट वाले वेरियंट में नहीं है।
दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो. होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा. आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय बाय.